आरबीआई ने एनबीएफसी के प्रतिनिधियों के साथ मुंबई में की बैठक, नकदी संकट समेत 6 महीने में एक बार बैठक समेत कई मुद्दों पर चर्चा। द्वारका एक्सप्रेस के घर खरीदारों ने शुरू की अनिश्चितकाल भूख हड़ताल, 10 साल से सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद फैसला। आईआरसीटीसी से हवाई टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अब मिलेगा फ्री इंश्योरेंस, दोनों तरफ की उड़ानों के लिए 50 लाख तक का बीमा। उद्योग चैंबर सीआईआई ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख करने की सिफारिश, 80C में छूट का दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख करने का सुझाव। मुद्रा स्कीम से महिला उद्यमियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, टेक्सटाइल मंत्री के मुताबिक कुल लोन का 75% महिलाओं को मिला। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2000 से शुरू की एसयूवी 300 की बुकिंग, फरवरी में लॉन्च होगी 8 से 12 लाख कीमत की एसयूवी। कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में उतरेगी हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स, 5 साल में लॉन्च की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंड कनेक्टेड डिवाइस। ओपेक देशों के दिग्गज सऊदी अरेबिया ने अपने पास कच्चे तेल के अकूत भंडार का होने का किया दावा, कहा पिछले अनुमानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है तेल भंडार। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी गुड्स का ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के रजिस्ट्रेशन के बिना इंपोर्ट अवैध, सरकार ने किया साफ। टेलीकॉम सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का खर्च 5 साल में 6 गुना बढ़ा, सरकार ने कहा कुल 60,000 करोड़ का हुआ खर्च।